এটা ধরুন রাজনীতিতে যেভাবে দুর্বৃত্তায়ন বাড়ছে, ক্রমবর্ধমান হচ্ছে, তারই প্রতিফলন। আমি তো বললাম রামপুরানে জাস্টিস অশোক গাঙ্গুলি সাহেব আর হামলোগোঁ কা পুরি তনজিম জো হামলোগ সবকোই জুড়ে হ্যাঁ ইনকে তরফ সে ইয়ে মিটিং জো হ্যায় ইয়ে প্রেস কনফারেন্স ইনকাদ কিয়া গিয়া। এটা ধরুন রাজনীতিতে যেভাবে দুর্বৃত্তায়ন বাড়ছে, ক্রমবর্ধমান হচ্ছে, এটা তারই প্রতিফলন। আমি তো বললাম রামপুরহাটের ঘটনা তো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, অনেকগুলোই খুন তো পরপর, আনিস খান থেকে শুরু করে অনেকগুলো খুন হলো পরপর, পৌর পিতাদের খুন হলো, ভাদু শেখের খুন হলো, তারপরে এই ঘটনা ঘটলো। প্রতিটা ঘটনার পেছনেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা রয়েছে, রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে। জাস্টিস অশোক গাঙ্গুলি সাহেব আর হামলোগোঁ কা পুরি তনজিম জো হামলোগ সবকোই জুড়ে হ্যাঁ ইনকে তরফ সে ইয়ে মিটিং জো হ্যায় ইয়ে প্রেস কনফারেন্স ইনকাদ কিয়া গিয়া। ইসকা আসল মকসদ ইয়ে হ্যায় কে এক वॉच डॉग की तरह हम लोग हमेशा इसके ये रहें, कहीं भी जो फसाद हो, कहीं लोग मारे जाएं, कोई किसी की हक तलफी हो, उसके लिए हम लोग बोल पाएँ, या तो हुकूमत से बोल पाएँ, या ऑपोजिशन से बोल पाएँ, या लोगों से के तरफ से मुतवज्जा होकर के उनको बोल पाएँ। जी, रामपुर हाट के सिलसिले में अभी फिलहाल जो है हाईकोर्ट की जानिब से जो है एक जो है डायरेक्शन आया है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी या जाँच करवाई जाए। बिल्कुल, मामले में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, सीबीआई का जांच होना ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि फैक्ट्स का आना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए जो रामपुर हाट पे हुआ वो एक ही पार्टी के दो फ्रैक्शन ने आपस में झंझट किया, एक ने एक को मारा, दूसरे ने दूसरे का घर जला दिया, 8 से 10 घर जल गया और 8 आदमी करीब उनको जिंदा जला दिया गया। वो निकल के भागने लगे तो उनको फिर धक्का दे करके उनको जलते हुए आग में फेंक दिया गया। ये सब चीज़ जो है ब्रुटेलिटी, ये हमारे यहाँ ये सब चीज़ का रिवाज नहीं है और ना ही होना चाहिए। ये अगर हुआ है बहुत ख़राब हुआ है और इसके लिए हुकूमत को हम लोग दीदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हुकूमत को बहुत स्टर्न स्टेप लेने की ज़रूरत है। इसमें मज़हब को देखने की ज़रूरत नहीं है, रंग और मिजाज को देखने की ज़रूरत नहीं है, जिसने भी गलती की है उसके ऊपर में एक्शन लिया जाए। सिविल सोसाइटी की जानिब से एक दूसरा जो है मुद्दा ये उठाया गया है कि बालीगंज असेंबली में अभी जो है आपका जाके बाई इलेक्शन हो रहा है, इस बारे में आपने कहा कि बाबुल सुप्रियो को जो है वोट नहीं दिया जाए, इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि कोई भी, ये तो बाबुल सुप्रियो का नाम आ रहा है और उसको हुकूमत ने लिया है, यही बाबुल सुप्रियो बीजेपी में था और उसने फसाद मचाया था, आसनसोल में कत्ल गारतगरी किया था, तो उसके सिलसिले में उनको ये टिकट दे करके उनको सर पे बैठाना, उनको उनका उनकी ताजीम करना, ये ममता जी को जेबा नहीं देता। हम लोग उनके ममता जी के साथ में हैं, सुप्रियो के साथ में नहीं है। तो बालीगंज असेंबली के वोटर्स के पास आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज यही देना चाहते हैं, ये मैसेज तो हमको वहीं से मिला है कि भाई ये ऐसे शख्स को खड़ा किए हैं ममता दीदी के जो इस काबिल ही नहीं है, जिसने इतना फसाद मचाया, जिसने इतना ये किया, तो उसके लिए हम लोग जो है वो आवाज़ उठा सकते हैं। बाकी तो जिसको वोट देना, कौन वोट दे रहा है, किसको दे रहा है, ये उनका काम है, है ना। ममता जी को लेकिन ये बताना कि हम नाराज़ हैं इसके लिए, ये ज़रूरी था।